जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। जो काम तुम करती हो ना वो होके ही रहता है। अब तो तुम्हें ट्रीट देनी पड़ेगी। ओके? तो अनुपमा के हाथ की मिर्च के पकौड़े, आई नो तुम्हारे फेवरेट है। मेरे फेवरेट तो हैं भी, लेकिन शायद मैं अनुपमा की फेवरेट नहीं हूँ। अभी जो अनुपमा के बर्थडे पे हुआ उसके बाद मुझे लगता है जाना ठीक नहीं रहेगा। काव्या, उस घर में सिर्फ अनुपमा नहीं रहती है, बा, मामा जी, बच्चे सब रहते हैं ना। और बच्चे तुम्हें कितना लाइक करते हैं, स्पेशली पाकी। तुम मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। कोई एक और चीज़। बेटा बहुत ढोकला नहीं खाते, पेट ना फूक जाता है। और भावेश, नई नौकरी मिली के भाई घर घर पे केबल की छतरी लगा रहे हो? नहीं नहीं, अभी भी वही काम चल रहा है। आपके यहाँ घर पे कोई केबल में प्रॉब्लम तो नहीं है? वो तो बताइए। पगार बड़ा वधी ने, पूरा 800 रुपया बड़ा है। बस माँ के घुटनों के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये चाहिए। वो हो जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। मेरी मानो, ये उम्र में ना ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है लीला बहन, ऑपरेशन की क्या जरूरत है, सब कुछ ठीक ही तो है। है ना? तो कुछ ठीक नहीं है, दादी तो ठीक से चल भी नहीं पाती है और रसोई से पानी भी नहीं लेकर आ पाती है। वैद्य जी की दवा चल रही है, उससे आराम है ना माँ? हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। माँ आप भूल गई, वो घर पे मेहमान आने वाले थे, हम निकलते हैं। मुझे और रुकना है। निहार बेटा, जीत नहीं करते हैं, हम निकलते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। अनुपमा, लड्डू का डब्बा खाली करके वापस दे दे, नहीं तो क्या है फिर लेने आ जाए, आना पड़ेगा। आओ जो। अच्छा चलिए। खाली डब्बा नहीं देते। हैप्पी बर्थडे भाभी, ये हमारी तरफ से। माँ ये ले। अनु ये क्या कर रही है? माँ निहार के लिए कुछ ले देना। मुझे नहीं चाहिए। चुप कर, कोई कुछ देती है ना तो मना नहीं करते। हो अच्छी सी कमीज ले लेना अपने लिए, समझा? ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना। माँ संभल के। हाँ हाँ बेटा। पाखी के स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आया था, उन्होंने अनुपमा को स्कूल में जॉब ऑफर किया है। अरे लीला, मेरी याद में तुम्हारा तो वजन बढ़ गया है। इंटरनेट पे ताने मारने बंद कीजिए, इसके लिए आपने मेरे भाई जिग्नेश को तो भेज ही दिया है। लगता है तेरे पापा आ गए। पापा इस टाइम? मम्मी पापा की गाड़ी की आवाज भी पहचानती है, क्या प्यार है यार। हाय बेस्टी। हाय पाखी। हाय। हाय। जय श्री कृष्ण। काव्या। हाय अनुपमा।
आज काव्या ने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की है। अरे वाह, ये तो बहुत सरस बच्चे। उस दिन फनफेयर के लिए सॉरी। एक्चुअली अनुपमा, आई एम सॉरी। नहीं, मैंने किया जो भूल जाओ, छोटी सी बात है, अगर याद रखोगे तो बड़ी बन जाएगी। वो दिन पार्टी आधी रह गई थी ना, तो आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ तुम्हें बेसो, मैं तैयारी करके आती हूँ। अब देसी घी में बनाना। हाँ बहू के मायके वालों को तो पानी पिलाने में भी रोना आ रहा था, मैंने सुना। अनुपमा तुम इतनी अच्छी कुक हो, तुमने खुद को प्रूव किया है। थैंक यू। तुम्हें जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वनराज टोल मी, आई थिंक तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम घर पे भी तो कुक करती हो, वहां भी कर लोगी। और अगर तुमसे नहीं हुआ तो छोड़ देना, सिंपल। हाँ मम्मी, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। नहीं बट मुझे लगता है मम्मी के लिए काफी टफ होगा ना। हाँ अरे शुरू शुरू में सब टफ लगता है, फिर बाद में आदत पड़ जाती है। हाँ कर दो अनुपमा। एंड थैंक गॉड तुम्हारा हस्बैंड टिपिकल नहीं है जिसे वर्किंग वुमन से प्रॉब्लम हो, है ना वनराज? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपमा हाँ कर दो, जो होगा देखा जाएगा। It's your wish. हाँ बोल बेटा, हाँ। अरे हाँ 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 बोल देना, मैं हूं ना। किसके लिए हाँ बोलनी है? हाँ मैंने रिमेम्बर से। उम्मीद से यस प्लीज। माँ के घुटनों के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए, वो हो जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। मम्मी हाँ बोलो, से यस। इट इज वेरी गुड, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं शिष्या, तुझसे अच्छे दही बड़े तो कोई बना ही नहीं सकता है। कमाल है यार, दिस इज द बेस्ट ढोकला इन द वर्ल्ड। मैं जॉब करूंगी। जॉब करूंगी मैं। All the best, Anupama. इतना शोर क्यों कर रहे हो? What? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इतनी जोर से सोच रहे हो कि साइलेंस भी आवाज कर रही है, क्या बात है भी? सीधी सी बात है काव्या, या तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के रह सकती हो या तुम अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। अब इसमें से कौन सा रिश्ता तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है ये तुम डिसाइड करो। तो तुम्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि मेरी और तुम्हारी वाइफ के अच्छे रिलेशंस हैं? भी तुम चाहते क्या हो कि मैं उससे लड़ूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर उससे ओवर फ्रेंडली होने की भी जरूरत नहीं है ना। भी दिस इज माय लाइफ, और मेरी किससे क्या इक्वेशंस होगी ना ये सिर्फ मैं डिसाइड करती हूं, कोई और नहीं। काव्या जो सिचुएशन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है उसे और कॉम्प्लिकेट मत करो प्लीज। आई अग्री,
मगर मुझे अपने घर ले जाकर सिचुएशन तुमने खुद कॉम्प्लिकेट की है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूं, मगर उतना ही जितना तुम चाहते हो। उनसे फ्रेंडली भी हूं, लेकिन अगेन उतना ही जितना तुम चाहते हो। भी मैं इंसान हूं, कुछ चाबी वाला खिलौना नहीं कि जितनी चाबी भरोगे उतना ही चलूंगी। हम लोगों से मिलते हैं तो रिलेशंस बनती हैं और आगे भी बढ़ती है। और अगर तुमको इन सब से इतनी ही प्रॉब्लम थी ना, तो मुझे उनसे मिलवाना ही नहीं चाहिए था। काव्या, हमने अपनी ये दुनिया बहुत मुश्किल से बनाई है, सिर्फ हम दोनों के लिए। इसमें किसी और के लिए जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों से मिलो, क्योंकि उनके ऊपर तुम्हारा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। लेकिन अनुपमा हमारी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझसे है, इसे मुझ तक ही रहने दो। अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? क्योंकि मेरा एक्स हस्बैंड है। एक्स हस्बैंड है तो रात में 12 बजे फोन करेगा? वी प्लीज जस्ट रिलैक्स। हेलो, हाय। मेरे सामने बात नहीं कर सकती थी? तुम्हारे सामने ही तो थी। हाँ, पर इतनी दूर कि मैं तुम्हारी बातें ना सुन पाऊं। तुम और अनुपमा एक ही रूम में एक ही बेड पर सोते हो। क्या मैं कभी भी चेक करने आई हूँ कि तुम्हारे और उसके पिलो के बीच कितनी दूरी थी? काव्या, व्हाट काव्या? जब भी तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हारे और अनुपमा के बीच कोई फिजिकल या इमोशनल रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो मैंने तुम पर ट्रस्ट किया है ना, तो तुम एक 15 सेकंड के फोन कॉल पर मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? भी उसने सिर्फ इतना ही बोलने के लिए फोन किया था कि हमें लॉयर से मीटिंग करनी है हमारा डिवोर्स फाइनल करने के लिए। भी प्यार करते हो ना, तो भरोसा करना भी सीख लो। चलता हूं, देर हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम करना बाकी है, उसके बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मम्मी, मामा जी क्या छे? क्या कब से मामा जी कर रही है? गया होगा किसी को मिलने, भूल कर ये सब खर्चा करने की क्या जरूरत है? मैं क्या कर रही थी? भाभी के मायके वाले। हाँ, अनु के ना मायके वाले आए थे और ढोकला पे ढोकला फूस रहे हैं। आधा किलो चटनी उन्होंने खा ली, बोलो कोथमीर का भाव तो तुम्हें पता है मम्मी। उसके बाद वो तूने पैसे दिए थे ना हैप्पी बर्थडे में, वो तोहफा नहीं निहार के हाथ में बहू ने ऐसे दिए जैसे उसके मायके वाले कोई टाटा बिरला हो। रख चलिए नौकरी करने। ठीक है ना मम्मी, मैं भी तो जॉब करती हूँ और भाभी की तो पार्ट टाइम जॉब है। अरे ये पार्ट टाइम में तेरी बेटी मीनू का क्या होगा? अभी तो छुट्टी मना के आई, अब तो काम पे लगेगी। हाँ, और फिर आधा हफ्ता वो बाहर रहेगी नौकरी पे, तो इसे कौन संभालेगा? मम्मी तुम संभाल लेना, तुम्हारी सगी नातिन है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरी सगी बेटी है ही नहीं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाते हो मम्मी? मम्मी, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। वही वाली। जय श्री कृष्ण डोली बहन। जय श्री कृष्ण भाभी। मम्मी आईज क्लोज करो ना। क्यों? अरे करो ना। अरे करो। अच्छा ले बाबा। अब आओ आओ आओ। किधर, आंख बंद है? अब अपनी आईज ओपन करो। अरे ये मैं थाईलैंड से लाई हूँ अपनी पॉकेट मनी से। थैंक यू माय डिग्री। ये ना मैं हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगी। डोली बहन थैंक यू। अरे भाभी छुट्टियाँ कैसी रही? छुट्टियाँ बहुत अच्छी थी भाभी, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, थाईलैंड में ना सब जगह सिर्फ नॉनवेज मिल रहा था। आपके बनाए हुए थेपले इतने काम आया ना, थैंक यू सो मच। हाँ भले, जितने थेपले बनाने थे उतने बन गए, अब तो नौकरी करेगी। मम्मी बा, मैं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
देखते तुम्हारे बापूजी को फोन लगा। हाँ, लगाओ। देखे तो सही क्या कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। क्या बात है, आज सुबह से तेरा फोन नहीं आया। मुझे याद कर रहे थे ना? नहीं, 10 की पल गिन रहा था कितनी बाकी रही है। अरे अनुपमा कैसी हो बेटा? मैं ठीक। जय श्री कृष्ण बापू जी। क्या चल रहा है? डॉक्टर, आपका अपॉइंटमेंट लेटर मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ बिल्कुल बराबर है, आप बस साइन कर दो। बापूजी चिंती रहे बेटा, चिंती रहे, खूब तरक्की कर। मैं ये मंदिर में रख के आती हूँ। कूल डूड, व्हाट्स अप? दादा जी संभाल लेना। हाँ बापूजी, एक बात सांभरो ने, मैं ठीक तो कर रही हूँ ने, मैं सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच रही हूँ। तू चाहे भी तो सिर्फ अपने बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि आदमी मैं बनकर सोचता है और औरत माँ बनकर। मैं इतना सा होता है, इतना सा छोटा सा, और माँ इतनी बड़ी कि सबके सुख दुख प्यार परवाह दिल में रखने के बाद भी थोड़ी जगह बच जाती है। इसलिए बेटा माँ जब भी जाती है, जब भी चलती है, पूरे परिवार को अपने दिल में लेकर चलती है। इसलिए तू जब भी बाहर जाएगी, जहां भी जाएगी, पूरा परिवार तेरे साथ जाएगा तेरे दिल में। इसलिए तू जो भी करती है सबके लिए करती है अनुपमा। अनुपमा बापू जी। मीनू देख, मैं तेरे पेन से साइन कर रही हूँ, तेरा प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा, काम पे भी। अच्छा अच्छा बहू माँ ये सब रिश्ते निभा रही हूँ, लेकिन आज जीवन में पहली बार बेटी की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।